Hello and welcome you all in today's lecture. Today we will discuss about the contribution margin, which is an essential and important part of cost accounting. As you know, the difference between sales and variable cost or marginal cost is known as contribution. That means if you want to calculate the amount of contribution, then you have to calculate the variable cost and you have to calculate the amount of sales. See, amount of sales. And further, we will subtract the variable cost, amount of variable cost from the amount of sales. Then you will find an amount which is known as contribution. Many people are confused between contribution margin and इसे वो profit के form में लेते हैं. But you should know that contribution is only contribution margin. It is not a never profit. Contribution margin is also called as a contribution margin, margin income, margin balance. Okay. The equation is developed. अब इसको contribution को find out करने के लिए, right? Find out करने के लिए एक इक्वेशन डेवलप किए हैं, ठीक ना? यह इक्वेशन इसलिए डेवलप किए हैं कि किस किस तरीके से कहां कहां से हम कंट्रीब्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं. दैट मींस दिस इज इक्वेशन डेवलप थ्रू द कंसेप्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन. कंसेप्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन दैट मींस एट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट का जो बैलेंस फिगर है, सॉरी डिफरेंस फिगर है, ठीक ना, वहां से हम एक इक्वेशन डेवलप किया है कि कहां कहां से और कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. द कंट्रीब्यूशन इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट और मे बी सेड टू बी द इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट. ब्रैकेट में ये लॉस इसलिए है कि प्रॉफिट की जगह लॉस भी हो सकता है, राइट? यहाँ पे बता रहा है कंट्रीब्यूशन इज सेड टू बी द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट. दैट मीन्स सेल्स टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो आपको जो अमाउंट बचता है वो बचता है आपको कंट्रीब्यूशन, ठीक ना? उसे हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन. अब वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट जो माइनस करते हैं वो है क्या, जनरली उसको थोड़ा समझ लेते हैं. सपोज आप 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, किसी भी प्रोडक्शन का आप 100 यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक ना? देन अगर 100 यूनिट से आप 100 यूनिट वन यूनिट उसमें 100 यूनिट में इंक्रीज कर रहे हैं, देन 100 यूनिट से आप 101 यूनिट मैन्युफैक्चर करने लग रहे हैं, देन वन यूनिट इंक्रीज करने से जो कॉस्ट आपको बढ़ रही है दैट इज वेरिएबल कॉस्ट और दैट इज मार्जिनल कॉस्ट. ए जो वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, ठीक ना? यानी किसी भी नंबर ऑफ प्रोडक्शन में आप वन यूनिट इंक्रीज करने से, ठीक ना, जो कॉस्ट उसमें इंक्रीज हो रही है दैट इज मार्जिनल कॉस्ट. यानी कि एक यूनिट इंक्रीज करने से, एक यूनिट वैरी करने से नंबर ऑफ प्रोडक्शन को जो उसमें इंक्रीजमेंट हो रहा है उसे हम कहेंगे मार्जिनल कॉस्ट. जैसे सपोज करिए आप 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे तो आपकी कॉस्ट आ रही थी 1000, राइट? अब 101 यूनिट कर लिए तो आपकी कॉस्ट आ गई 1002 रुपीज, राइट? 1002 रुपीज. तो ये जो 2 रुपीज है ये डिफरेंस आ रहा है 1000 और 1002 रुपीज में से, वन यूनिट इंक्रीज करने से. तो ये जो 2 रुपीज इंक्रीज हो रहा है टोटल, ठीक, इसे आप क्या कहेंगे, वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट. इसी 2 रुपीज को अमाउंट ऑफ सेल्स में से माइनस करना है, क्या करने के लिए, कंट्रीब्यूशन मार्जिन को पता करने के लिए. ये याद रखना, इसी 2 रुपीज को जो एक यूनिट इंक्रीज करने से जो आपकी कॉस्ट जो चेंज हो रही है वही चेंज अमाउंट को सेल्स में से माइनस करते हैं, जिसके बाद हमको कंट्रीब्यूशन मार्जिन पता चलता. अब कंट्रीब्यूशन को कैसे पता कर सकते हैं, इसको इक्वेशन फॉर्म में डेवलप किया है इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इजी कैलकुलेशन के लिए. देख रहे हैं हम, फ्रॉम द एबव वी कैन राइट इट इन द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर्म.
देखिए इस कंसेप्ट से, ओके, टोटल कॉस्ट इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। दैट मींस इफ यू वांट टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्शन यार एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, ठीक ना, देन यू हैव टू कैलकुलेट टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट, एंड द एडिशन ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज नोन एज टोटल फिक्स कॉस्ट, ओके, टोटल फिक्स कॉस्ट, ओके। देन इफ यू वांट टू कैलकुलेट देन प्रॉफिट, तो व्हाट इज प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, सेल्स माइनस दैट मींस अमाउंट ऑफ सेल्स एंड टोटल कॉस्ट। यू हैव टू टू थिंग्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, नंबर फर्स्ट इज अमाउंट ऑफ सेल्स एंड नंबर सेकंड इज टोटल सेल्स एंड टोटल सॉरी टोटल कॉस्ट, एंड टोटल कॉस्ट यू विल कैलकुलेट फ्रॉम दिस फॉर्मूला। That means total cost is the result of addition of variable cost plus fixed cost. If you are adding the fixed cost in variable cost, or if you are adding the variable cost in fixed cost, then you will find the total cost. And this total cost you have to subtract from the amount of sales. Then the what amount you will find is known as profit. Okay. And now, as the same, how you will calculate the contribution? Let's see, the contribution is the difference between sales and variable cost in the form of definition. So, if you want to calculate the contribution, then you have to subtract the variable cost from sales. You have to subtract the variable cost from sales. And you will what is variable cost means, variable cost means one unit increase करने से जो हमारे cost में total cost में जो increase हो रहा है, जिसमें हम example में बात कर रहे थे 2 रुपये increase हो रहा है, तो उसको amount को total sales amount में से minus कर देंगे, तो जो बचेगा हम उसे क्या कहेंगे, contribution, okay, thank you।